नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। हम आपको बताते चले कि आज हाजी साहिबान का पहला काफिला 630 अफराद और मुश्तमिल जिद्दा के लिए रवाना हो रहा है। तो अभी ये भी आप बताते चले आपको कि इस साल जम्मू एंड कश्मीर से लगभग 10,000 आज़मीन हज जो है वो हज बैतुल्ला पे जा रहे हैं। ये भी बताते चले हम आपको कि 10 सालों के बाद आज जो जहाज़ है वो लैंड कर रहा है वादी कश्मीर से सीधे जिद्दा, यानी कि 10 सालों के बाद आज ये मामूल जो ख़त्म हो चुका था, लेकिन आज बजाय इसके दिल्ली पे जहाज़ उतरता था, आज सीधे ये जिद्दा में उतर जाएगा 10 सालों के बाद। इस साल लगभग 14,000 से ज़्यादा आज़मीन जो है उन्होंने अप्लाई किया था, दरख्वास्तें दी थी, लेकिन 10,000 आज़मीन हज को जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से इस साल हज बैतुल्ला के लिए रवाना होने के अहकाम सादर किए गए। नाज़रीन, वादी कश्मीर यहाँ पे खुसूसन, हालांकि यहीं पे नहीं, जहाँ कहीं से भी मुसलमान रवाना होते हैं तो रुकत आमेज़ जो मनाजिर है वो अक्सर बेशतर देखने को मिलते हैं। और जो भी इंसान कोई भी वीडियो देखता है या ऐसे मनाजिर देखता है तो उसके दिल में उसी टाइम तमन्ना पैदा हो जाती है कि काश मुझे भी हज बैतुल्ला की ज़ियारत नसीब हो। ऐसा ही आज वादी कश्मीर में भी हुआ। यहाँ से ये लोग लगभग इन्हें 9 बजे तक आज़मीन को यहाँ पे रिपोर्ट करनी थी और यहाँ से पहली फ़्लाइट जो है जिद्दा के लिए एयरपोर्ट से 3 बजे रवाना हो जाएगी और दूसरी फ़्लाइट जो है वो लगभग 5 बजे रवाना हो जाएगी। तो ऐसे में क्या मनाजिर यहाँ पे देखने को मिले, हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल रहा यहाँ हज हाउस श्रीनगर में। हम यहाँ इधर ही पास में रहते हैं, बटमालो फिरदौस आबाद में। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमारे ये हज बैतुल्ला जो हम करने जा रहे हैं, सारे वादी के मुसलमान जा रहे हैं, पूरे मुसलमान जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला
हमारे लिए आसान बना दे और कबूल कर दे और इसके ज़रिए हमारे यहाँ हालात ठीक हो जाए और पूरे दुनिया में अमन व अमान हो जाए। वादे कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ बताइए कि जो ही आप ज़ियारत करेंगे तो पहली दुआ क्या होगी आप? पहली दुआ हम यही मांगे जो हमने अपने उलमा इकराम से सुना है कि या अल्लाह जो मैं यहाँ पे जो मैं जब तक मैं हयात हूँ जो मैं दुआएं करूँगा वो यहाँ कबूल कर लेना और हमारे फिर वही जो दुआएं हम मांगेंगे इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। वादी के लिए हम यही अमन और अमान मांगे पूरी दुनिया के लिए अमन क्योंकि हम अमन के घर जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वही तासरात अल्लाह ताला फैलाए पूरी दुनिया में। बह बयान लफ्जन मज कर इंशाल्लाह रहमान करो तुम दुआ हर कंस मुसलमान खास कर तमाम गसन तौर वात इंशाल्लाह रहमान चूंकि थोड़ा गिरद आबस मज हिंदी कहते करो दुआ इंशाल्लाह तमाम गसन वात तौर बाकी वसलम दुनिया वह पा क्या ओतान तम असल इंतजाम वो ब्रोह क्या इंशाल्लाह रुत खुद करो इंशाल्लाह हर कह मुसलमान गए तौर वात बेसिक सारी मुसलमान ये गर्द आबस मज रब कर अस पे रहम बस इंशाल्लाह सारे गो हल मुश्किल कश्मीर तमाम गीर गो हल मुश्किल ये गरी असल गंदा रोज खुश तो खुशहाल रोज सारी हिंद लुक इंशाल्लाह खुश तो खुशहाल इन खा करो दुआ नारस गुजार अस तु नारस गुजार तह तुम बस ये सलामत खुश तो खुशहाल गशीर रोज असान तो गंदान गशीर रोज बे प्रेन पे अब्दुल आबाद इंशाल्लाह सारी गो खुश आसी गो असान तो गंदान आसन हल मुश्किल गुण हल मुश्किल गुण इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन आपने देखा कि रुकत आमेज़ मनाजिर हमारे साथ हाजी साहिबान का पहला काफिला 630 अफराद पर मुश्तमिल जो है आज हज बैतुल्लाह की तरफ रवाना हो रहा है। जिद्दा में ये लैंड करेगा इनका जहाज़ और उसके बाद दूसरी फ्लाइट भी यहाँ से 5 बजे रवाना हो जाएगी। ये भी बताते चले हम आपको कि इस साल हज बैतुल्लाह पे लगभग 10,000 आज़मीन हज जो है जम्मू एंड कश्मीर से जा रहे हैं हज के लिए। तो हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि सभी को ये सआदत नसीब फरमाए। आप ये तमाम मनाजिर जो है हमारे साथ देख रहे थे करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया से हया जावेद के साथ।